सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जिस औषधि के बारे में आपको बताने वाले हैं, उस औषधि का नाम है लाक्षादि गूगल। और इस औषधि को आप बहुत सारे रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। आज हम आपके इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लाक्षादि गूगल एक बहुत ही अच्छी औषधि है, जो कि जो हड्डियों के जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, विशेषकर जो दर्द से संबंधित है या हड्डी टूट गई है, ऐसे बहुत सारे रोगों में ये प्रयोग की जाती है। आज हम आपको इसका पूरा परिचय आपको देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। इससे अगर आप कभी इनका प्रयोग करते हैं और आपको इसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि और लोगों को इनसे संबंध में जानकारी मिले और वे इस बारे में पूरी जो है जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए जान लेते हैं लाक्षादि गूगल के बारे में। तो इसमें जो विशेष रूप से जो औषधियाँ इसमें इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने के लिए, वो लाख है, जिससे कि इसका नाम भी लाक्षादि गूगल है। और इसके अगर MRP की बात करें और इसके ये जो पैकिंग की बात करें, तो इसका ये बैद्यनाथ की तरफ से आता है, ये और भी कंपनी बनाती है, लेकिन मैं मानता हूँ बैद्यनाथ अच्छी कंपनी है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसका जो पैकिंग है ये 80 टैबलेट में है, और इसमें छोटा पैकिंग भी आता है, लेकिन आपको बड़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि कीमत में काफ़ी अंतर होता है। और आपको थोड़ा, अगर आप छोटा लेते हैं, तो उससे आपको पूरा लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि ये लंबे टाइम तक खाया जाता है और तभी इसके रिजल्ट मिलते हैं। और इसकी अगर MRP की बात करें, तो 158 रुपये इसका रेट है आज की डेट में। ये समय के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी औषधियाँ इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने के लिए, और इसको आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो प्रयोग है, सबसे पहले मैं आपको इसके जो इसमें औषधियाँ इस्तेमाल की गई हैं और कैसे इसको बनाया गया है वो बता देता हूँ, फिर इसके रोगों के बारे में आपको बताऊँगा। तो इसमें जो है, सबसे पहले लाख है, अस्थि संगार है, जिसे हड़जोड़ बूटी के नाम से भी जानते हैं। हड़जोड़ बूटी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, उसके बारे में आपको जल्दी ही इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। हड़जोड़ बूटी, खुरंड घास, ये ऐसी औषधियाँ हैं जो कि बहुत अच्छी औषधियाँ होती हैं। हड्डियों के जोड़, अगर जैसे जोड़ों में दर्द है या हड्डियाँ टूट गई हैं, कमज़ोर हो गई है, ऐसे बहुत सारे रोगों में काम करती हैं। ये औषधि का परिचय आपको जल्दी ही इस वीडियो इसी चैनल पर एक वीडियो में मिल जाएगा। तो इसमें हड़जोड़ लता है, ये एक प्रकार की लता होती है, और इसमें अर्जुन की छाल है, अश्वगंधा है, नाग बला मूल है, और इस जो नाग बला मूल है, इसकी छाल इसमें प्रयोग की जाती है। इन सभी को जो है बारीक कपड़ छान चूर्ण समान भाग में इसको ले लिया जाता है, और समान भाग इसको लेने के बाद इसमें शुद्ध गूगल, जितना भी इन सभी औषधियों का चूर्ण तैयार होता है, उतनी ही मात्रा में गूगल लिया जाता है, जो कि शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध गूगल इसे लेने के बाद सबके बराबर इसमें मिला दे, और उसमें जो है फिर अन्य औषधियों का जो चूर्ण होता है वो सभी एक जगह मिक्स करके अच्छी तरीके से इसकी कुटाई की रहे। और कुटाई करने के बाद जब इसकी अच्छी तरीके से कुटाई हो जाती है, जैसा कि मैं सभी उसमें बताता हूँ, गूगल एक ऐसी चीज़ है जो कि जितनी अच्छी कुटाई आप कर सकते हैं, उतने ही अच्छे लाभ आप इससे ले सकते हैं। वैसे कंपनी के जो ये आते हैं, ये तो अच्छी तरीके से करते ही हैं। अगर आप कभी घर पर बनाना भी चाहें, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि आप अच्छी तरीके से इसकी गुटाई होनी चाहिए। जब ये अच्छी तरीके से घुट जाता है, तब इसकी जो है गोली बनाने के ये जब योग्य हो जाता है, तो इसकी गोलियां बना ली जाती है 3-3 रत्ती की, और इन गोलियों को बनाकर सुखा लिया जाता है। छाया में ही सुखाना चाहिए, जितने भी प्रकार की इस तरीके की गोलियां
हम बनाते हैं तो छाया में ही सुखाना चाहिए। तो ये आपका लाक्षादी गूगल तैयार हो चुका है। अब जान लेते हैं ये आप किन किन रोगों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, लाक्षादी गूगल के बहुत सारे गुण हैं। इसका एक विशेष गुण ये भी है कि ये अगर आपके लिगामेंट्स, जोड़ों के जो लिगामेंट्स होते हैं, एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है लिगामेंट्स का, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करते हैं लाक्षादी गूगल का, तो ये आपके लिगामेंट्स को जोड़ने की और उनको बल प्रदान करने की भी शक्ति रखता है। ऐसा जो है आयुर्वेद में ही है, एलोपैथिक में लिगामेंट्स की कोई भी कैसी भी मेडिसिन नहीं है। ये आप ध्यान रखिए, एलोपैथिक के मुकाबले आयुर्वेद इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत सारे रोगों को कवर कर लेता है। इसमें आप एक इसका जो मेन एक काम है वो है हड्डियों के, अगर जैसे हड्डियाँ टूट जाती है किसी भी कारण से, या हड्डियाँ बार बार टूटती रहती है, या हड्डियों में कमजोरी है, हड्डियों में दर्द है, ये इस तरीके के जितने भी रोग होते हैं उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थि, जिसे हम हड्डी के नाम से जानते हैं, शरीर के हड्डी जो है ना, शरीर को खड़ा रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर में हड्डी होता है और हड्डियों में अगर कमजोरी होगी तो हमारा शरीर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। हड्डियों के अलग-अलग रोग होते हैं, उसमें दर्द एक विशेष रूप से रोग होता है जो कि हड्डियों के रोगों में काम करता है, और वो हड्डियों का जो दर्द होता है वो वैसे पेन किलर से भी ज़्यादा ठीक नहीं होता। पेन किलर से होता क्या है कि आपका जो दर्द तो वो वैसे ही होता है, लेकिन आपको उसका सेंसेशन होना बंद हो जाता है। ये हमारे दिमाग को जो सिग्नल जाते हैं दर्द के, तो उस सिग्नल को वो ब्लॉक कर देते हैं अगर आप कोई भी एलोपैथिक पेन किलर लेते हैं। लेकिन ये लाक्षादी गूगल जो है, ये उस रोग को जड़ से ख़त्म करता है। किस कारण से वो हो रहा है, ये हड्डियों के रोगों की एक विशेष औषधि है। जिनके जोड़ों में गैप हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, इन ऐसी अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है और एक उत्तम प्रकार का कैल्शियम भी इसमें होता है। ये शरीर के किसी भी भाग की हड्डी में चोट लग गई हो, या उसमें सूजन या जो दर्द हो रहा हो, अथवा हड्डी टूट गई हो, उसमें बहुत से रोग हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन दवा आपको एक ही लेनी है, लाक्षादी गूगल। लाक्षादी गूगल को आप ध्यान रखिए, हड्डियों के कैसा भी रोग हो, हड्डियों का जो भी रोग हो, उन सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हड्डियों के रोगों में तो ये प्रयोग आप कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ ये आपके हृदय रोगों को भी ये ठीक करता है, दांतों क्षीणता को भी ठीक करता है, और वात विकारों को भी ठीक करता है। वात विकारों में भी इसका अच्छा प्रयोग होता है, और ये सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के वात विकार होते हैं, उन सभी में ये काम करता है, और ये विशेषकर घुटनों के दर्द के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थी जानकारी लाक्षादी गुगलू के बारे में। इसके अगर मात्रा की बात करें तो इसको 2 गोली से 4 गोली तक लिया जा सकता है, और ये आप अपने वैद्य से सलाह करके या डॉक्टर से सलाह करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको सुबह शाम लेना होता है, दूध के साथ ले सकते हैं या मधु के साथ ले सकते हैं। एक बात और ध्यान आपको यहाँ पर रखनी है, जितने भी प्रकार के गूगल होते हैं उन सभी गूगलों को जो है आपको चबा कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट लेंगे और निगल लेंगे, ऐसा आपको नहीं लेना चाहिए। जितने भी प्रकार के जो गूगल होते हैं उन सभी को आपको चबा कर तब लेना है, या तो आप खरल में पीस कर ले सकते हैं या फिर आप चबा कर ले सकते हैं। जैसा कि अगर मधु में मिलाकर लेना है तो आपको खरल में पीस लेना है, फिर उसमें मधु मिलाकर उसको चाट लेना है। अगर आप ऐसे ही लेते हैं दूध के साथ, तो जो है मुंह में गोली डालकर उसको चबा लीजिए और फिर ऊपर से दूध पी लीजिए। ये सही तरीका होता है गुगलू को लेने के लिए। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो
तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसी और जानकारी वाली वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल के निशान को भी दबा दीजिए। आप हमारे सपोर्ट के लिए इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।